हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भाई बहन, मम्मी ब्रदर, सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम निकले हैं घूमने के लिए थोड़ा बाहर। तो ये है मम्मी और युवान, हम लोग सब ई रिक्शा में जा रहे हैं, हम लोग चारों जन। ट्विंकल हमेशा बोलती है कि मैं से पढ़ाई करती हूँ, कहीं घुमाने नहीं ले जाती हूँ, तो चलो आज ले जा रही हूँ थोड़ा घुमाने के लिए, मौका मिला है। तो ये हम बाहर निकले हुए हैं और घर के पास ही बस थोड़ा सा गए हैं ई रिक्शा में जो कि है। तो यहाँ पे एक नया स्मार्ट बाज़ार खुला हुआ है। तो यहाँ पे पहले बिग बाज़ार हुआ करती थी फ्रेंड्स। तो हमारे कोलकाता में बिग बाज़ार जहाँ जहाँ भी था वो सारे बिग बाज़ार बंद हो चुके हैं और उसके जगह में स्मार्ट बाज़ार खुल गए हैं। तो ये स्मार्ट बाज़ार के हम लोग आए हैं, ऊपर फूड कोर्ट है तो हमें जाना है वहाँ। और रहा यहाँ पे, हम थोड़ा सा विंडो शॉपिंग कर रहे क्योंकि हमें तो कुछ ख़रीदना है नहीं, तो हम विंडो शॉपिंग करके थोड़ा मन बहला रहे हैं क्योंकि स्मार्ट बाज़ार में अभी तक आज तक हमारा शॉपिंग करना नहीं हुआ। तो कभी अगर मौका मिले और हमारा बजट ठीक हो पॉकेट का तो फिर देखा जाएगा। तो तब तक के लिए थोड़ा सा आँखें ठंडे कर लेते हैं। और बच्चों को तो आप जानते ही हैं, घर में रह रहे कितना बोर हो जाते हैं, स्पेशली पढ़ाई करने वाले बच्चे, कि उनको थोड़ा सा आउटिंग कराना ज़रूरी होता है। पर वो तो नहीं समझते ना मम्मी पापा के पैसे हैं कि नहीं हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा बहुत में जितना हम बहला सकें तो वही मेरे हाल रहता है। और ये हम यहाँ आ चुके हैं फूड कोर्ट में, ऊपर में अभी हम जा ही रहे हैं। ये लिफ्ट हम लोग एस्केलेटर हम लोग लेने जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग ऊपर हमें जाना है। तो अभी तक लिफ्ट हमारी आई नहीं है तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं और बस हम फूड कोर्ट में पहुँचने ही वाले हैं। और ये हम पहुँच गए हैं फूड कोर्ट में। ऊपर में एक तरफ है फूड कोर्ट, एक तरफ है वो कॉर्नर में आप देख रहे होंगे वो है पिक्चर देखने का थिएटर, और यहाँ पे कॉर्नर में है आइसक्रीम पार्लर जो कि आज बंद है। और ये फूड कोर्ट का नाम है हंगर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे आए हैं आज खाने, और मैं यहाँ पे अंदर आ चुकी हूँ और यहाँ सोच रही हूँ कहाँ पे बैठूँ। यहाँ बहुत जगह ही है, कहीं कहीं खाली खाली दिख रहा है, तो कौन से अच्छी जगह में बैठा जाए यही मैं सोच घूम रही हूँ। और बस अब खाने का ऑर्डर देना ही है। मम्मी मेनू कार्ड देख रही है और हमने प्लानिंग किया है कि आज कुछ चिकन विकन का आइटम खाएंगे। और ये हमारे महाराज, हमारे नवाब को तो कोई खाने से मतलब नहीं है, इनको है बस घूमो और खेलो, इनको खाने से कोई भी मतलब नहीं होता है। और हमारी मैडम जी डिसाइड की है कि वे फ्राइड राइस और चिली चिकन ही खाना है। तो ये आ गया हमारा खाना, ये हमने शुरू कर दिया है खाना। और मम्मी का प्लेट आना है बाकी है, मम्मी ने लिया है फ्राइड राइस और उसके साथ ये सब मिला के हम लोग खा लेंगे तो आज का डिनर हमारा हो जाएगा। देखो हम लोग जा रहे हैं घर, हमारा डिनर हो गया है, सबको मिलके बाय बाय कर दो। मैंने थोड़ा मेकअप किया था तो अरे वो भी चला गया। ये युवा